नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के लिए एग यानी कि अंडे का साइज कितना होना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर प्रेग्नेंट होना हर महिला के लिए एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन कुछ कारणों से कई महिलाओं को गर्भधारण करने में परेशानी होती है। दरअसल कंसीव करने के लिए महिलाओं की ओवरी में बनने वाला एग साइज काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एग पुरुष के स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज होता है और अगर किसी कारण से इसका आकार कम होता है तो इससे प्रेगनेंसी की संभावना कम हो सकती है। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए क्या होना चाहिए इस एग का साइज यानी कि अंडे का साइज। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, क्या एग साइज प्रेग्नेंट होने के लिए जरूरी है? सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। तो ओटावा हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मुताबिक जब भी प्रजनन क्षमता की बात आती है तो सबसे पहले अंडे का आकार जाना जाता है, क्योंकि अगर महिला की ओवरी में एग का आकार सही रहता है तो इससे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF को भी सफलतापूर्वक करना आसान हो जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रेगनेंसी के लिए अंडे का आकार सही होना बहुत ही जरूरी है। अगर अंडे का सही आकार नहीं होता है तो इससे भ्रूण को सही तरीके से विकसित करने में परेशानी आ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए इस एग की साइज यानी कि अंडे के साइज क्या होनी चाहिए। तो लंदन क्लिनिकल रिसर्च के मुताबिक जब आपके एग का व्यास लगभग 18 से 20 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है, जो यह फर्टिलाइज के लिए एक तैयार माना जाता है, अंडे का यह साइज प्रेग्नेंट होने के लिए काफी अच्छा होता है और इस स्थिति में IVF करना भी काफी आसान हो जाता है। वही NCBI पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर एग का व्यास 23 से 28 mm रहता है तो इस स्थिति में प्रेग्नेंट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है। अब दोस्तों, बात करेंगे क्या कम आकार के एग साइज में प्रेग्नेंट होना संभव है। तो असामान्य DNA वाले अधिकांश एग को एन्यूप्लोइडी के रूप में जाना जाता है और इस तरह के एग को निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंडे की गुणवत्ता और प्रजनन क्षमता के बीच गहरा संबंध होता है। हालांकि कुछ मामलों में छोटे आकार का एग निश्चित हो सकता है, लेकिन इस स्थिति में गर्भपात होने का खतरा ज्यादा रहता है। वही कुछ मामलों में बच्चे को आनुवंशिक विकार होने का भी खतरा रहता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। अब दोस्तों, बात करते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए एग की क्वालिटी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो प्रेग्नेंट होने के लिए एग की क्वालिटी बेहतर होना बहुत ही ज़रूरी है और एग की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आप कुछ तरीके फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि शरीर में ब्लड फ्लो को बेहतर करें। एग की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए अंडाशय में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होना चाहिए। इसके लिए दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी का सेवन जरूर करें, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करें। साथ ही साथ हेल्दी डाइट का सेवन करें। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने एग की क्वालिटी में सुधार करना है और इसके लिए समग्र हेल्थ के साथ साथ एग की हेल्थ पर भी ध्यान दें। अपने आहार में भरपूर फल और सब्जियों को शामिल करें। रिसर्च से पता चलता है कि प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए मछली और अनाज का सेवन करना अच्छा माना जाता है। धूम्रपान से दूर रहें। एग की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए स्मोक से दूर रहें। धूम्रपान और शराब का सेवन करने से अंडाशय और अंडे पर इसका विपरीत असर होता है। और साथ ही साथ वजन को कंट्रोल रखें। एग की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए अपने शरीर के वजन को कंट्रोल में रखें। वजन ज़्यादा या फिर कम होने से अंडे की गुणवत्ता पर इसका असर पड़ सकता है। वजन को कंट्रोल करने के लिए अपने डाइट और एक्सरसाइज पर जरूर ध्यान दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।